तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्रांड न्यू गर्मा गर्म GTA 5 की एपिसोड में। तो मैंने अपने स्पाइडरमैन वाले वीडियो में तुम लोगों से पूछा था कि जो भी तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो है वो नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो। तो तुम में से काफी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि तुम लोग को आयरन मैन पसंद है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग वही करने वाले। इस वाले वीडियो में हम लोग बनने वाले हैं आयरन मैन। और अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आती है और तुम चाहते हो कि हम लोग और भी सुपर हीरोज के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग कौन से सुपर हीरो के ऊपर बनाएं। ओके तो 1, 2, 3। ओके तो गाइस एज यू कैन सी हम लोग बन चुके हैं टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन। और डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हम लोग थोड़ी देर में ही सूट पहनने वाले हैं और आयरन मैन के पावर्स भी टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, आयरन मैन की खासियत ये है कि उसके पास पैसा है जो बाकी सुपर हीरोज के पास नहीं है। हाँ मतलब दिमाग भी है, लेकिन ओवरऑल अपना आयरन मैन काफी कूल है। और जो लोग भी आयरन मैन के फैंस हैं उन लोग को पता होगा कि आयरन मैन सिर्फ ऑडी चलाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कूल है आयरन मैन का मैंशन। और उस मैंशन में और भी ज्यादा कार्स है, लेकिन उससे ज्यादा भी कूल चीज ये है कि उस मैंशन में बहुत सारे आयरन मैन के आर्मर्स है। और अभी हम लोग सबसे पहले जाके वही चीज देखने वाले हैं। लगता है आयरन मैन को थोड़ी ड्राइविंग लाइसेंस लेनी होगी। और गाइज एज यू कैन सी अपनी ऑडी कितनी ज्यादा कमाल लग रही है। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा क्रैकलिंग सा साउंड भी आता है इसके एग्जॉस्ट में से। और अंदर से तो यार एज यू कैन सी अपना इंटीरियर बहुत ही मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम कंफर्टेबल सीट्स है और सब कुछ हाई क्लास है। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपने ऑडी का सिंबल बना हुआ है, चार चार साइकिल के पहिए। और क्या बात है यार, टनल के अंदर तो इसकी आवाज और भी मस्त लग रही है, एकदम मस्त गूंज रही है भाई। ओके तो एज यू कैन सी हमारा ब्यूटीफुल मैंशन आ चुका है। पहले यहाँ पर ये लैंड नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर लैंड मंगवाया, बिल्डर आए, उन लोगों ने अपना काम करा, जादू वादू करा और लैंड आ गया यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगवाया, अपना घर बनाया, सब कुछ करा। सही में बहुत ही ज्यादा खर्चा आ गया था इस चीज को करने के लिए। लेकिन गाइस तुम लोग जानते हो, अपने टोनी के पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सही में यार इसका घर इतना बड़ा है कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तुम लोग को इसका घर कहाँ से दिखाऊं। लेकिन कोई नहीं, हम लोग शुरुआत अपने गैराज से कर सकते हैं। और सबसे पहले जब तुम गैराज में आते हो तो तुम लोग को दिखती है एक व्हाइट कलर की ऑडी, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि आयरन मैन को ऑडी पसंद है। और उस ऑडी के बिल्कुल आगे ही अपनी एक फोर्ड की क्लासिक कार है, और उसके आगे हमारी पता नहीं ये कौन सी गाड़ी है, और उसके आगे देख के ऐसा लग रहा है कि हॉट व्हील्स की कोई गाड़ी है। और अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग को हैमरिंग की आवाज आएगी, और तुम लोग मेरे को नीचे गेस करके बताना कि किसकी आवाज हो सकती है। ओके तो 1, 2, 3। ये है हमारा पर्सनल नौकर, आप लोग को इसका नाम तो पता ही होगा। ये है अपने कैप्टन अमेरिका। मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं कैप्टन को बोल देता हूँ, वो तो सारी चीजें कर देता है। इस वाले एरिया में टोनी अपने नए नए सूट्स टेस्ट करता है, और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी चार चार सूट्स है। वैसे ये नए सूट्स नहीं है, ये अपने पुराने सूट्स ही है। अगर तुम लोगों ने आयरन मैन की मूवीज देखी है तो तुम लोग को पता ही होगा। और अगर तुम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे, इस वाले सीक्रेट रूम में हम लोग अपने आर्मर्स छुपाते हैं। वेल एक्चुअली छुपाते नहीं है, ये हमारे अपकमिंग आर्मर्स है। ये वाला आर्मर अभी बन रहा है, जो ऊपर हॉट व्हील्स वाली गाड़ी थी उसी से इंस्पायर होकर ये वाला आर्मर बनाया है। और ये वाला अपना स्पेस का आर्मर है, और ये वाला आर्मर तो आई थिंक तुम लोग को पता ही है कि कौन सा आर्मर है। और अगर तुम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हें मिलेगा एक सीक्रेट रूम, जहाँ पर हम लोग अपने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एज यू कैन सी अपना विजन भाई यही पर है। बेचारे को स्कारलेट विच ने धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ भाग गई, तो तब से पता नहीं बेचारे को क्या हो गया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम लोग को पता ही है कि विजन एक्चुअली मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, तो किसे पता गुस्से में मेरे को ही पेल दे। और जब तुम मेन एंट्रेंस से आते हो तो तुम्हें स्टार्क इंडस्ट्री करके बड़ा बड़ा सा दिखता है, और उसके बिल्कुल सामने तुम्हें दिखेगा अपना कैप्टन अमेरिका। एंड एज यू कैन सी ये बहुत ही बड़ा काम चोर है, कभी कभी ये झाड़ू नहीं लगाता, ऐसे ही खड़े हो जाता है। लेकिन कोई नहीं यार, अपना ही दोस्त है तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। और यहाँ पर पता नहीं ये लहरें कैसे आ रही है, बहुत ही मस्त लग रहा है देख के। और ये है अपना मेन हॉल, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने एवेंजर्स की फोटो लगा रखी है, अपनी ग्रुप फोटो लगा रखी है, और वहाँ पर मेरी एक और फोटो है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से टोनी स्टार्क कुछ ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इस तरफ अपना पियानो है, और यहाँ पर हम लोग के पास एक और बार है। और अगर तुम बालकनी में आते हो तो बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू दिखता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पे तुम लोग को स्विमिंग पूल भी मिलता है, और यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी है, तो अगर रात के टाइम पे कभी चांद सितारे देखने का मन करता है तो हम लोग वो भी कर लेते हैं अपने पेपर के साथ। तुम लोग को तो पता ही होगा पेपर टोनी स्टार की वाइफ है। और यहाँ पर हम लोग बॉक्सिंग करते हैं। अगर तुम में से किसी को वाला सीन याद है जब ब्लैक विडो यहाँ पर बॉक्सिंग करती है, तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के बाजू में अपना जिम वाला एरिया है, बट एज यू नो कि आयरन मैन को जिम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसके आर्मर ही सारा काम कर देता है। तो जो अपने बाकी एवेंजर्स है उनको शेप में रहने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जिम लगा रखा है। और जब तुम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हो तो मेरा फेवरेट रूम आता है। इस वाले रूम में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें
चीजें कलेक्ट करके रखी है। ये है हमारे कैप्टन अमेरिका का टोपा और उसकी शील्ड। वेल एक्चुअली उसकी शील्ड नहीं है, ये शील्ड टोनी स्टार के पापा जी ने बनाई है, तो ये अपना ही शील्ड है। और इसी के बाजू में अपने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है, और इसी के बाजू में हम लोग का आयरन मैन का सूट है। तुम लोग को पता होगा आई थिंक आयरन मैन 2 में होता है। और इसके साइड में है अपना सस्ता इन्फिनिटी गॉटलेट, और इसी के बाजू में अपना हार्ट है, और उसके बाजू में एक असली इन्फिनिटी गॉटलेट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्टैनली, रेस्ट इन पीस। अगर ये नहीं होते तो हम लोग के फेवरेट सुपर हीरोज नहीं होते। और इसी के बाजू में अपना प्यारा सा क्यूब है, वेल इसे क्यूब नहीं बोलते, जो भी मार्वल के फैंस हैं उन लोग को पता होगा, तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना इसका नाम क्या है करके। और गाइस इसके बारे में तो तुम लोग जानती हो, ये अपने लोकी का स्टाफ है और अपने लोकी का हेलमेट। लेकिन गाइस वो सब छोड़ो, अब हमारी बारी आ गई है आयरन मैन बनने की, तो अब हम लोग आयरन मैन बनने वाले हैं। 1, 2, 3 ओके, तो गाइस एज यू कैन सी हम लोग आयरन मैन बन चुके हैं। और सही में यार देखने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये वाला सूट। और ये देखो यार सबसे ज्यादा कूल चीज तो ये है, हम लोग एक्चुअली उड़ सकते हैं। जब हम लोग उड़ते तो पीछे पता नहीं तितली जैसे ये क्या आ जाता है, बड़ा मस्त लगता है ये भी देखने में। और गाइस ये तो मानना पड़ेगा अपना आयरन मैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है यार, सही में ऐसा लग रहा है कि मैं एक फाइटर जेट चला रहा हूँ। काश अपना आयरन मैन डिलीवरी बॉय होता, तुम लोग जिस दिन ऑर्डर कराते ना उसी दिन पे आ जाता यार, सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रहा है। और गाइस ये देखो सही में कितना ज्यादा कूल लग रहा है यार अपना आयरन मैन। और इस वाली वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मेरे को अभी ट्रेन की आवाज आ रही है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना आयरन मैन ट्रेन को रोक सकता है कि नहीं। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग अपने पावर्स टेस्ट करने वाले हैं। यार हम लोग इतने मस्त सुपर हीरो बने हैं, और अगर हम लोग इसके पावर्स टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या मजा आने वाला है यार। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अपने पहले पावर का नाम है मशीन गन एक्सप्लोसिव मोड। तो आ जाओ टेस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल गन जैसी है। और भाई साहब व्हाट द हेल, तुम लोगों ने देखा कितनी जल्दी गाड़ी की बैंड बज गई भाई साहब। ओ भाई एक्सप्लोसिव एमो चल रही है यार। लेकिन अब हम लोग चलाएंगे फ्लेम वाला एमो, और भाई साहब तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने इनके ऊपर बस थोड़ी गोली चलाई और ये पूरा आग लग गया। भाई साहब क्या हो रहा है ये, व्हाट द हेल। सही में अपना आयरन मैन कितना ज्यादा ओपी है यार, इसका पहला अटैक ही कितना ज्यादा खतरनाक है। तो आ जाओ यार हम लोग अपना नेक्स्ट अटैक देखते हैं, और इसका नाम है मिसाइल्स। तो मेरे हिसाब से ये कुछ मिसाइल टाइप फेंकता है, और भाई साहब कितना ज्यादा खतरनाक है ये, लिटरली मिसाइल फेंक रहा है यार। इन लोग की तो बैंड ही बजा दी हम लोगों ने। और ये देखो हेलीकॉप्टर डर के भाग गया, ये देखो एक और हेलीकॉप्टर आया, इसको तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ओ तेरी की भाई क्या हो गया ये, इन लोग की लिटरली हम लोगों ने बैंड बजा दी। ये देखो स्वॉट वाले भी आ गए, लेकिन कितने आराम से उड़ गए ये। और इस वाले मिसाइल का एक और वेरिएशन है जो की है डार्ट, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है कि क्या करता है, तो हम लोग आज और टेस्ट करते हैं स्वॉट वाले के ऊपर टेस्ट करते हैं, रुको देखते हैं क्या बात है। ये स्लीपिंग डार्ट है, हम लोग जैसे उन लोग को मारते हैं ना, और जैसे इन लोग को डांट लगता है वो लोग सो जाते हैं यार, ये तो बड़ा यूजफुल है। और एक और मिसाइल है जिसका नाम है जेरिको मिसाइल, देखते हैं कि ये चीज क्या करती है। What the hell? तुम लोगों ने देखा क्या हुआ, एक मिसाइल पता नहीं 15-20 मिसाइल बन गई, और भाई इतनी बड़ी एसयूवी है और एकदम खिलौने की तरह कैसे उड़ रही है यार, सही में कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये, लिटरली इसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्या उड़ रही है यार गाड़ियाँ भाई, सही में खिलौना है क्या। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट अटैक को देखने वाले हैं जिसका नाम है चेस्ट रिपल्सर, तो देखते हैं कि ये वाला अटैक क्या करता है। और आई थिंक इसके नाम से बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि ये अटैक क्या करता है, जो अपने आयरन मैन का चेस्ट पीस है वहां से एक खतरनाक लेजर निकलती है। और गाइस इस वाले अटैक का सबसे मस्त फीचर मेरे को ये लगता है कि तुम लोग एक्चुअली टारगेट को लॉक कर सकते हो, और लॉक करने के बाद तुम लोग को बस एक बार क्लिक दबाना पड़ता है और अपना आयरन मैन ऑटोमेटिकली सारे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हमारे नेक्स्ट अटैक की बारी आती है जिसका नाम है एनर्जी ब्लास्टर। आई थिंक तुम लोगों ने ये मूवी में देखा होगा, और इसके नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला अटैक क्या करता है। जो आयरन मैन के इतने बड़े बड़े हाथ है, इसमें से एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकलने वाला है। भाई हेलीकॉप्टर लिटरली लॉस सेंटोस के बाहर चले गया है। और ये वाला अटैक अपने लास्ट वाला अटैक से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा कूल चीज मेरे को ये लगती है कि जब हम लोग ये वाला अटैक यूज करते हैं तो छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट निकलते हैं, और सही में यार इनको देख के काफी मस्त लगता है, और इनका साउंड इफेक्ट भी काफी मस्त है। और अपने पुराने अटैक की तरह हम लोग इसमें भी अपने टारगेट्स को सेलेक्ट करके एक बारी में सबको मार सकते हैं। और गाइस मैं जानता हूं तुम लोग को भी लग रहा होगा कि अपने सारे सुपर पावर्स खत्म हो गए, लेकिन हमारे पास एक और सुपर पावर बची है, और ये वाली जो सुपर पावर है ना सबसे ज्यादा कूल है। अगर तुम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम देखी है तो तुम लोग को पता है कि ये कौन सी पावर है।
यार सही में जब हम ये पावर यूज करते हैं ना तो अंदर से क्या खुशी आती है, कितना ज्यादा कूल लग रहा है यार। और इस वाले अटैक का एक और वेरिएशन है जो कि तुम लोगों ने एंड गेम में देखा होगा, और उस अटैक का नाम है बैक रिपल्सर। और देखो यार अपना आयरन मैन कितना ज्यादा बैडास लग रहा है। इन लोग को ना अपने बैक रिपल्सर का हल्का सा स्वाद देते हैं। लिटरली यार कितना ज्यादा बैडास लग रहा है ये। और भाई रात के टाइम पे तो और भी ज्यादा बैडास लग रहा है ये, तुम लोग देख रहे हो क्या चमक रहा है भाई। यार सही में अपने आयरन मैन का मॉड सबसे ज्यादा खतरनाक मॉड है, क्या मॉड है भाई, कितना ज्यादा कूल है ये। ओके तो गाइस जैसे कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस करा था, अब हम लोग ये देखने वाले कि अपने आयरन मैन ट्रेन को रोक सकता है कि नहीं। बेटा ट्रेन में तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यार ये वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया, मेरे को लगा था कि आयरन मैन ट्रेन को आराम से रोक सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली आयरन मैन नहीं रोक पाया। अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया और तुम चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आते रहे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं तुम तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।